नहीं, बी अकेले कितने दिन में 50 से कम न माने थे। बी अकेले कितने दिनों में, तो सोचिए अपने खुद, मैं लिखूंगा नहीं, दो को कैसे गुना करें कि 50 आ जाए 25 से। आशा करें कुछ स्पीड बढ़ेगा भाई, बढ़े। हमें लगता है 28 सेम है, छोड़ सकते हैं या बना दूं? बना लीजिएगा। उनतीस सीखिएगा, बिल्कुल बना देंगे, आप ही खुद बनाएंगे सीखेंगे। किसी कार्य को संपर्क करने में ए बी की तुलना में दुगना, असी की तुलना में तिगुना समय लेता है। ए बी से दुगना, असी से तिगुना, यानी 6 3 2। ए बी से दुगना समय लेता है लिखा हुआ जी, असी से तिगुना समय लेता है लिखा हुआ। तो आपके दिमाग में आया कि हम 6 3 2 क्यों नहीं लिखे, हम पढ़ते कैसे हो समझिए। ए के बारे में कह रहा था बी का दुगना, सी का तिगुना, इसलिए को ऐसा माने जो दू से भी कटे, और इसलिए को कितना माने, तो बी से दुगना नहीं, बी कितना होना चाहिए 3, तो ना दुगना होगा। सी से तिगुना, तो दू मानेंगे तो ना तिगुना। इस समय लिखा हुआ, इफिशियंसी लिखा हुआ। अब इफिशियंसी जो होता है समय का, तो लटने की तरीके 6 3 2 से कटने वाली राशि 6 लाने के लिए 1 2 3 एग्री है। इफिशियंसी समय का उल्टा होता है, तो लटने की तरीके 6 3 2 से कटने वाली राशि 6 लाने के लिए 1 2 और 3। आगे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, आगे। वे तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिनों में, तीनों मिलकर एक दिनों में, तीनों की इफिशियंसी जोड़िएगा ना, अच्छा 6 होगा। तीनों मिलकर उसे एक दिनों में, तो पूछ क्या रहा, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में, जवाब दीजिए। तीनों मिलकर एक दिनों में, तो ए अकेला कितने दिनों में, जवाब मिल जाएगा। कुछ सीख रहे हैं तो जब तक नए घर पे दोहराइएगा काम नहीं होगा। 31, चलिए 31 भी सीखिए, अभी लगता है हम बताए हैं, आप ही बनाइए जल्दी से। जो बना के आए मत बोलिए, बनाने दीजिए। जो 28 नंबर था, जो 27 नंबर था, वही 31 भी है, जल्दी कीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए। मिटाओ भाई, सी को कहमा था। ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना कि बी प्लस सी। ए उतना ही समय में करता है जितने समय में बी प्लस सी। ए और बी 10 दिन में, सी अकेला 15 दिन में, जल्दी बोलिए 10 और 15 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए यहां 3 यहां। अब मुझे बी की एफिशिएंसी निकालना है, चलिए केयर कीजिएगा। ए की जगह मैं बी प्लस सी लिख दूंगा तो ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस बी, जिसमें सी का मान 2 है तो बी 2b का मान 1। 3 में से सी का मान 2 हटा दीजिएगा तो 2b का मान कितना बचेगा, 2b का मान 1, यानी b का मान हो जाएगा 1/2। सही है, काम कितना माने थे तो बोल दीजिए। तो 30 काम b अकेले कितने दिन में, जवाब दीजिए। तो आंसर हो जाएगा 30 दुनी
ईमानदारी पूर्वक बताइए, बताया हुआ है क्या? क्या क्या रेशियो अलग आया? क्या अलग आ गया? यही ना आया तो फिर बैठ गई। एक मैथ के हजार तरीके होंगे, हजारों में जो आपको अच्छा लगे उससे। हाँ अलग आया तो जरूर बोलिएगा, सर हमारा वाला अलग आ रहा है, जरा देखिए कहाँ गलत है ना। अलग आए तो जरूर बोलिए कि सर मेरा वाला लगता है कुछ गलत हो गया, मेरा देख दीजिए, वो बातें चलेगी। बढ़े आगे भाई, बढ़ा 32, 33, 33। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की आधी है, अब बी और सी की कार्य क्षमता दिया हुआ है कितना, 5 और 1 आधा 9/2। कुछ गड़बड़ हो गया। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की, तब बी और सी की कार्य क्षमता 5 और 9/2 होगा कि नहीं? अब नेट स्लो हो रहा है तो कहा करें? हमारा हमारे देश में जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस बिहार यूपी के किया जाता है, सबसे ज्यादा बिहार यूपी पे फोकस किया है। और जब सरकार पैसे बांटने लगती है विकास के लिए तो सबसे बाद बिहार और यूपी को देखता है, हम लोग कितने नीचे स्तर पे हैं। हाँ पिछड़ा बना कर रखता है। अभी भी नहीं आया। अच्छा आगे लगता आगे, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। आया क्या? शांत हो जाइए, नेट का प्रॉब्लम होता है। एक ने तो हद कर दिया, एक दिन बोला सर आप कैसे पढ़ाते, मैंने कहा क्यों, बोला आप इतना इतना रुक जाते हैं, आप और थोड़ा पढ़ाने के लिए सीख जाइए। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, वो हमारी कोई गलती नहीं है जिसे मुझे सीखना पड़े, गलती हमारे नेटवर्क की, अब हम क्या कर सकते हैं। अभी देखिए ये भाग गया। चलिए हम लोग देखिए, बी और सी की एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 5:5। ए की एफिशिएंसी बी और सी की आधी, तो 5 और 9/2 9/2। अब आपकी मर्जी है, 2 से गुना कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। 2 से गुना कर लें, ये कहां से आ गया? तो चलिए आप लोगों ने कहा 2 से गुना कर दीजिए तो रेशियो हो जाएगा 9, 10। तीनों मिलकर 120 दिन में तीनों की एफिशिएंसी जोड़िएगा 27, 120 दिन में। तो पूछ रहा है सी अकेले 8×D क्या हल हो जाएंगे 8 से 15 बार में, आंसर 405 बन जाएंगे। चलिए 34 भी अब बन जाना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। हल्ला नहीं कीजिए केवल, उतार लिए, बढ़ाए ना इसको, बढ़ाया जाए।
34 सेम क्वेश्चन है, एबीसी मिलकर एक कार्य 12 दिन में, ए तथा सी मिलकर बी से दुगना कार्य करे, ए और बी मिलकर सी से, रेशियो है देखिएगा, ए तथा सी मिलकर बी से दुगना काम करे यानी 2:1, ए और बी मिलकर सी से तिगुना काम करे, ए और बी मिलकर सी से तिगुना। अगर आप रेशियो पढ़े होंगे तो लाइन आपको याद आ रहा है, ए और सी बी से दुगना, ए और बी सी से तिगुना, ऊपर भी ए बी सी है नीचे भी ए बी सी, इसलिए जितना जोगफल ऊपर उतना ही जोगफल। क्या आपने कभी पढ़ा है? लो आज का है गुस्सा में आ रहा है, हमें मोबाइल नेटवर्क आता नहीं, असल में होता क्या है लोग यहां से सारा जितना है सब वो नेट जोड़ रहता अपना अपना मोबाइल में, हम चेक करते हैं तो कहता कहां जुटा हुआ है। चलिए तो जितना जोगफल ऊपर उतना ही जोगफल, तो ऊपर जोगफल कितना? हम भी आज बनाइए छोड़ेंगे। चलिए तो जोगफल सेम करने के लिए बताइए ऊपर में कैसे गुना? 4 से। बहुत अच्छा, इतना बोल दिया वही काफी है। और नीचे जोगफल सेम हो गया तो क्या एबीसी का रेशियो बोलने आ जाएगा? बी का एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी, और 8 में से सी घटा देंगे 1 एफिशिएंसी। अब प्रश्न बोल रहा है तीनों मिलके 12 दिन में, तो 5 और 9 3 को 12 दिन में किसके बारे में पूछ रहा? तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में, यानी 4 × D, यानी आंसर 36। तीनों मिलके 12 दिन में, तो 12 × 12, बी अकेले कितने दिन में, तो 4 × D, हल कर लीजिए बन जाएंगे। तो हमें लगता है नेचर वन बनाने आ गया, तो ध्यान दीजिएगा कल भी इसी को लाइएगा, एक बार फिर से लिखिएगा। टाइप वन जिन्हें दोहराना है दोहरा लेंगे, लेकिन टाइप टू का नेचर वन पुनः 1 से बना के आएंगे, सही है? तो कल नेचर 2 और नेचर 3 जाएंगे, कल भी यही लाना है, टाइम एंड वर्क भी कल चलेगा।